ब्रेकअप क्योंकि हीरो हीरोइन में अलगाव हो जाता है, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और फिर एंड में मिलते हैं और जो सारी कैसे जो मिलते कहानी हैं का जो पूरा पूरा जूस है कहानी का वो मतलब ब्रेकअप के बाद जो होता है एक ब्रेकअप मतलब तो एक मामूली बात भी हो सकती है लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होते हैं। वो मतलब यह ब्रेकअप हमेशा इतना आसान नहीं होता, कभी कभी कितना ड्रास्टिक हो सकता है। वो मतलब सेकेंड हाफ जो फिल्म का है वो ब्रेकअप के बाद की कहानी है। इंसान का ये गलत स्टेप उसको कहाँ से कहाँ ले जाता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये जो है कहानी का एक मैसेज है। स्टारकास्ट में साहिल अख्तर खान हैं जिन्होंने दो तीन फिल्में की हैं अभी रिसेंटली, हालांकि ये फिल्म हमने दो साल पहले शुरू की थी तो तब वो फ्रेश थे, रॉ थे मेरे साथ और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनती हैं और शीतल काले भी स्टेज वगैरह करती हैं, परफॉर्मर हैं बहुत अच्छी और इसलिए हमने इनका परफॉर्मेंस देख करके इनको अपनी फिल्म में लिया था और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा लगता नहीं कि ये लोग नए हैं बिल्कुल इस फिल्म में। देखिए हमारे यहाँ के हमको म्यूज़िक का शुरू से बड़ा शौक रहा, हमारी जितनी फिल्में बनी हैं 16-17 का म्यूज़िक बहुत लाजवाब था आप सबको पता है। उसके बाद आशिक है तो दिलबर को पहचान जिसमें सिद्धार्थ कोयराला और मयूरी कांगो थे, उसका भी म्यूज़िक बहुत अच्छा था और अभी भी हमने हम एक्चुअली जब एड्स भी बनाते हैं तो जिंगल्स के साथ ही बनाते हैं तो म्यूज़िक हमारा फोटे रहा है तो हम जब अच्छा कोई गाना सुनते हैं तो उसको अपने पास रख लेते हैं और जब फिल्म आती है तो उसको इनकॉर्पोरेट करके हम उसको यूज़ करते हैं। तो आप यकीन मानिए इसमें 5 म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, 5। ये फिल्म ईद के फौरन बाद ऑल ओवर इंडिया होगी और अभी एक टोकन रिलीज़ हमने यूपी किया है और कुछ उसकी वजूहत है। गोली एक्चुअली इसमें मतलब वो एक तरह से उसको एम्फेसिस देने के लिए है कहानी को, ब्रेकअप को, वरना इसमें ऐसा एक्शन का कुछ नहीं है। गोली मतलब गोली एक तरह से जैसे मतलब उसको तोड़ने के लिए, बिखेरने के लिए एक तरह से सिम्बॉलिक की तरह से यूज़ की गई है, बाकी उसका कुछ एक्शन जैसा नहीं है। और हम क्लाइमैक्स रिवील नहीं करेंगे उसका, एक अलग से उसका एक, क्योंकि क्लाइमैक्स बहुत ही विस्फोटक एक क्लाइमैक्स है जो मतलब एक ज़माने में कभी रहा था लेकिन हमने उसको बहुत सालों के बाद में किया है और फिर उसको एक नया जो एंड दिया वो तो बहुत ही खूबसूरत है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारी फिल्म फर्स्ट हाफ तो बहुत ही रोमांटिक है और इट्स फुल ऑफ लाइफ। ट्रेजेडी शुरू होती है जब ये लड़का उसको हीरोइन को छोड़ करके चला जाता है बाहर और उस लड़की के साथ जो गुजरती है अकेलेपन में, वो फिल्म की कहानी बनती है। लाइन में स्टोरी ये है कि देखिए लखनऊ का माहौल अब जो बदल रहा है, पहले हमको मालूम है कि इतना मतलब कोई लड़की और लड़के साथ चलते नहीं थे, आज से 15-20 साल पहले वो डरते थे कि कोई ये देख लेगा, वो देख लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अब जो है वो चूंकि बच्चे बाहर से आते हैं और आपके जो ये जो मीडियम चल रहा है इससे वो इतना बोल्ड हो गए हैं कि आप पाएंगे कि वो एक दूसरे को किस भी कर रहे हैं गार्डन में जा कर के और पब्लिक प्लेस में भी एक दूसरे को किस करते हैं। बिल्कुल वही माहौल है जो शायद बॉम्बे में नहीं होगा, आप फॉरेन वाला माहौल वहाँ देख लेंगे। तो वो आज़ादी जो है उसके हिसाब से जो कहानी का बेस बनता है वो यही है कि लड़कियाँ जो है वो अपना आपा न खोएं और अपने आप को कंट्रोल में रखें और माँ बाप ने जो उनके अंदर इन्वेस्ट किया है, माँ बाप जो बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं उसको वो समझें अपनी ज़िम्मेदारी को और वो जो है वो वापस जब अपने घर जाएं तो शान से जाएं, इज्जत से जाएं, पढ़ करके जाएं और कुछ बन करके जाएं। लड़का गांव का है, लड़की भी गांव की है, दोनों गांव के हैं और वो लखनऊ आकर के वहां की जो लाइफ है आज की आप देख रहे हैं, मतलब लखनऊ तो बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन जो माहौल में तब्दीली आ रही है उसको कैसे बच्चे ले रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली द फिल्म।